अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं ब्लॉग बिंदाना, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको ज़्यादा करवाऊँगी, जैसे मैं करूँगी थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग कर सकी वैसे करवाऊँगी आपको। ये गाड़ी शोर थी, नीचे खड़ी हो आप सल्लम और आपके साहब बाबर। हाँ जी, वो आगे शॉपिंग करते हैं ना, वो आगे जाके दुआ मांगते हैं। आगे चलो और आजा, तो चलते चलो और जल्दी दिखाओ, मेल्ट हो जाएगी। नहीं, यहाँ 3 दिन और 3 रातें गुजारे थे। कफार वाले यहाँ तक गए भी थे लेकिन वो आपको देख नहीं थे पाए। आ जाओ ध्यान से। ये मैदान अरफात जिधर हज़रत पाक सल्लम ने खुतबा दिया था हज का, और हज़रत आदम और अम्मा हवा भी इधर ही मिली थी। और ये 100 शेयर्स हैं जो चार के ऊपर जाएंगे हम सीढ़ियों से, और ऊपर जाके कहते हैं कि जो नाम जिसका लिखो तो वो, और दुआ मांगो तो अल्लाह उसे भी बुलाते अपने दर पे। और वो देखें नाम लिख लिख के ना ब्लैक हो गया होगा। ये मैदान अरफात है और ये इधर छोटे छोटे से स्टार लगा है। अब घूम के बहुत तरफ जाना, चलो जी। इतनी बड़ी सीढ़ियाँ, यही मैं कह रही थी। ये मम ऊपर जा रहे थे, माशाल्लाह से इतने खुश होकर जा रही थी मेरी बेटियाँ के हमने जाने जाना है, ज़िद लगा के ऊपर गई। और ज़रा तंग नहीं किया कि हम थक गए हैं या कुछ, तो माशाल्लाह से हम ऊपर पहुँच गए थे। और इधर से दुआ मांगी, नाम लिखे कुछ दान पाई के सबके। मस्जिद निमरा साल में सिर्फ एक मरतबा खुलती है हज के दौरान, और तब भी सिर्फ असर और मगरिब आई थिंक या जोहर और असर की नमाज अदा की जाती है, और इसके बाद फिर बंद हो जाती है, सारा साल बंद रहती है। ये मस्जिद निमरा साल में 2 मरतबा खुलती है, और इधर सिर्फ हज का खुतबा दिया जाता है। और ये मशरुल हराम मुज़दलिफा, इधर लोग एक रात लाजमी गुजारते हैं। ये भी साल में सिर्फ एक मरतबा खुलती है, और बाद में क्योंकि इधर आबादी नहीं है, अगर इधर आबादी हो जाए तो फिर हज के दौरान दिनों में मुश्किल होगी। ये वो जगह जहाँ अब अभी पत्थर फेंके थे इस ब्रिज के,
इस ब्रिज के नीचे का तो ज़्यादा खड़ा नहीं होना चाहिए, फ्लोर नहीं उधर जाना चाहिए। ये कैंप है इधर, ये वाइट से नजर आएंगे, ये इधर लोग आके तीन दिन रहते हैं, इधर ठहरना लाजमी है। ये कैंप के अंदर क्लीन लगा दिए जाते हैं और ये गार्डन अभी ऊपर किया गया था, अब गार्डन नीचे कर दिए जाते हैं। जमरात इतनी जगह है जमरात, जो सारे लिफ्ट जो सारे ये वाली मस्जिद हैफ है। इस मस्जिद के नीचे बताते हैं कि 70 से ज्यादा अंबिया ग्राम की कब्रें हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर दौर का नफल पढ़ने के उम्रे का स्वाब होता है। कहाँ ये मस्जिद है, लेकिन ये बंद है ना, इधर नीचे नहीं जा सकते, ये हज के दिनों में खुलती है। अच्छा अच्छा, हाँ नीचे देखनी है, देख लो। बेटा इधर हज के लिए जो आते हैं वो रहते हैं, और ये जो मस्जिद है ना, इधर 70 से ज़्यादा अंबिया की कब्रें हैं इस मस्जिद के नीचे। नीचे मस्जिद की इनके जैसे वो बेसमेंट समझ लेंगे इस तरह। पीछे करो, इधर देखो मानो ये शैतान, वो बड़ा शैतान, और ये दो छोटे इधर हाज के दौरान कंकड़ियाँ मारते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो मुझे बताएं ताकि मैं अपनी मिस्टेक ठीक करूं। उम्मीद करती हूं आपको सब मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इधर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की हैं, 30 दिन सजदे में रहे हैं। कौन से वो चोटी पे? वो चोटी बिल्कुल चोटी पे अल्लाह सुब्हान अल्लाह। अभी जो रास्ते बन गए उस टाइम किधर रास्ते थे? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को किसी जगह पे नहीं मिलते थे, तो इधर मिलते थे, इस जगह पे होते थे। ये कौन सी मस्जिद है? पता नहीं।
बता रहे हैं किधर क्या बात है। वही कहंदी सब ज्यादा खराब है। हां ज्यादा का मतलब ना मैं पता चल समझा रही हूं। डब्बे में आगे में था ये आगे छोटी सी मस्जिद आएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। वह मस्जिद है जावा, इधर जो बख्श सलम ने असर की नमाज पढ़ी थी और इमामत करवाई थी। ये छोटी सी मस्जिद है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, क्योंकि इधर जो बख्श सलम ने असर की नमाज पढ़ी थी। ये जन्नत मौला, इधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी की कब्र है और ये बाकी जो वफात कर जाते हैं उनकी कब्र है। तो इनके जन्नत मौला मौला कब्रस्तान। ये मस्जिद जिन ने इधर जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये इधर हम सारी ज्यारतें करके फिर हम बाद में फौरन हरम में आ गए थे, खाना वगैरह खाया और हरम में आ गए। माशाल्लाह से मेरी बेटियां देखिए इतना खुश है, इतना भागती हैं, खेलती हैं, देखती हैं फ़ोन क्या कर रहा है, और फिर सवाल पूछेंगे मम्मा इधर क्या हुआ। माशाल्लाह बच्चे तो शरारती होते हैं, अल्लाह पाक ने इनका उम्र कबूल करना था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये हम टीम के अंदर जाने लगे थे, जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे और नफल अदा करने के लिए। कहते हैं जिसने टीम के अंदर नफल अदा की, कहते हैं जिसने टीम के अंदर दो नफल अदा किए उसे एक उम्रे का सवाब है। अल्लाह ताला हमारा कबूल करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, क्योंकि कल हमने जल जाना मदीने में और बाकी उधर की वीडियोस बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।